दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही अच्छी बात आपको लगेगी, बहुत ही अच्छी आपको खबर लगेगी। आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, मोदी सरकार 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में मोदी सरकार ने क्या अच्छे कार्य किए और कहाँ अपने कार्यों में कमी की, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आज हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको भी आप दबा लीजिए, जिससे जो भी हमारी नई नई वीडियोज़ होंगी वो सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम करते हैं 2019 चुनाव जीतने के बाद में का एनालिसिस, कहाँ कहाँ सरकार ने अच्छा किया, कहाँ कहाँ सरकार की कार्यों में कमियां रही, वो सारी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर कि आपको खबर कैसी लगी और सरकार के जो हमारा एनालिसिस है वो किस तरीके का रहा, तो कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अब बात करें, सबसे पहले 2019 में मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के बाद में जो अब तक सरकार जब से चुनाव जीती है जब से अब तक कुल मिला के जो चर्चा में जो शब्द रहे, जो चर्चा में जो खबरें रही, सबसे बड़ी खबर रही जम्मू कश्मीर से 35A। जम्मू कश्मीर में जो 35A है वो बहुत बड़ी खबर रही। साथ में दूसरी जो खबर रही बहुत बड़ी खबर रही, चांद पे चंद्रयान, हमारा जो भारत का जो चंद्रयान था वो एक तरीके से चांद पे पहुंचने की तैयारी में था, काफ़ी चर्चा में रही वो खबर, बहुत अच्छा है और पूरा हिंदुस्तान उस खबर को सुन के काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी प्रसन्न हुआ। और कुल मिला के स्पेस में भारत ने अपनी बादशाहत बताई दुनिया को कि हम दुनिया के सामने किस तरीके के हैं, हम क्या कर सकते हैं स्पेस में, और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन के भारत उस चीज़ में उभरा। और दोस्तों जो बात रही वर्ल्ड कप, अब वर्ल्ड कप की भी बात कर लें तो काफ़ी खबर रही, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी इंडिया टीम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, शायद एक बार लग रहा था सभी भारतवासियों के कि भारत इस बार भी वर्ल्ड कप जीत के आएगी, लेकिन वो मलाल है, सेमीफाइनल में भारत हारा न्यूजीलैंड के सामने, तो वो भी खबर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है। और दोस्तों बात करें इस बार लोकसभा 2019 के चुनाव में सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुन के लोकसभा में पहुंची, ये भी चर्चा एक बहुत बड़ी चर्चा बन के रही। और दोस्तों बात करें जो सबसे बड़ी खबर और भी एक चीज़ रही, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक का भी बिल अभी प्रेजेंट में ही फिर पास हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही एक बड़ा चर्चा का विषय रहा मोदी सरकार में। अब बात करें दोस्तों ट्रंप का जो अभी जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री अमेरिका गए और उन्होंने ट्रंप से जो मुलाकात की और ट्रंप ने जो झूठ बोला, भारत की मीडिया को ही हिला चुका था वो शब्द, कहीं ना कहीं देश के विदेश मंत्री को सामने आना पड़ा और रक्षा मंत्री को भी सामने आके कहना पड़ा कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम कश्मीर के मामले में किसी तीसरे पक्ष के हक में नहीं है, हम किसी को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। और दोस्तों साथ में एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है पाकिस्तान को लेके, वो खुशी की खबर पाकिस्तान को चंदा भी मिल गया है, खर्चा चल जाएगा उन लोगों का, उनका भी उनको चंदा मिल गया है और कहीं ना कहीं अपना दाल रोटी का जुगाड़ उनको लगभग साल दो साल का अमेरिका ने दे दिया, ट्रंप ने उनको ऐसी घोषणा कर दी है। और दोस्तों जो खबर रही, एक खबर जो रही राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की चर्चा भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार का कहना है कि जो भी संविधान के दायरे में जो भी न्यायपालिका जो भी यानी कुल मिला के जो संविधान में भरोसा और जो कोर्ट कहेगा हम उस चीज़ को मानेंगे। और दोस्तों जो एक सबसे बड़ी खबर रही मोदी सरकार में वो रहा देश में मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का इशू आज भी चल रहा है और कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से मॉब लिंचिंग का इशू चल रहा है। मॉब लिंचिंग के लिए वैसे प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि कहीं ना कहीं कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी समुदाय के लिए कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, कानून अपना काम करेगा, जो भी दोषी होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी।
कहीं ना कहीं लॉन्चिंग को लेके भी बहुत बड़ा एक देश में मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है। और दोस्तों अगर अपन बात करें चुनौती, मोदी सरकार को अब नेक्स्ट चुनौती क्या आएगी 2019 में, 2019 तो लगभग ये चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो मोदी सरकार को जो समस्याएं आएंगी और उस चीज को लेके वो अलर्ट हुए हैं और उनको पता है कि ये समस्या का हमारे को सामना बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके की समस्या है, वो है पीने का पानी। बहुत मुश्किल होती चली जा रही है पीने के पानी को लेके। तो मोदी सरकार उस पे भी जो अब जो नेक्स्ट उनका क्या क्या किस तरीके से वो कार्य करेंगे तो दोस्तों ये जो खबरें मैंने आपको बताई, ये चुनाव जीतने के बाद में 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही। और दूसरी मैं एक सबसे बड़ी चीज बताना आपको बताना भूल गया, एक चर्चा का विषय वो भी था, श्री अमित शाह जी इस बार लोकसभा चुनाव जीत के आए और आते ही उनको बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन उनको पार्टी ने बीजेपी ने उनको गृह मंत्री बनाया देश का। और गृह मंत्री बनने के बाद में उनके ताबड़तोड़ फैसले थे कश्मीर को लेके, बहुत एक तरीके से कहीं ना कहीं काफी चर्चा का विषय रहा। अमित शाह जी का बहुत ही अच्छा रहा कुल मिला के, उन्होंने जो आते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन की बात की कि हम नया परिसीमन लाने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं 35A पे भी बात चल रही है। और अभी फिलहाल जो कश्मीर में अभी पिछले दो दिन पहले सेना की लगभग एक टुकड़ी भी वहाँ पहुँच गई, लगभग 10,000 सैनिक जम्मू में, ऐसी चर्चाओं का विषय है, ऐसा दौर है कि मोदी सरकार नेक्स्ट क्या करने जा रही है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो थी देश में काफ़ी हलचल वाली चीज़ें रहीं, और हम चाहते हैं हम उनमें से जो व्यूवर्स आए, शायद मेरी भी सोच है और कुछ से ना कुछ जो लोगों की भी सोच है, 35 पे पूरे भारत में एक इंटरेस्ट है कि उस पर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। भारत की जो जनता है वो 35 पे कुछ ना कुछ चाहती है। दोस्तों 35A को लेके बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनता के मन में बहुत से विषय हैं, लेकिन अभी हम लोग भी कुछ कह पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसियां होती हैं, कुछ नीतियां होती हैं, वो पब्लिक प्लेस पे नहीं आती, वो किस एंगल पे काम करती हैं ये पब्लिक प्लेस में नहीं आती। और ये नेक्स्ट जब भी कुछ अच्छा होगा तो बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, हमारा एक वीडियो बना दिया जाएगा उस पर भी एक अच्छा सा। लेकिन दोस्तों जो अभी कहीं ना कहीं बात करें तो जो मोदी सरकार की जो दो चीज़ें थी, जो स्पेस में इसरो ने जो काम किया स्पेस में, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने भारत की एक बहुत बड़ी छवि बनाई। इसरो यानी वो वैज्ञानिकों को धन्यवाद है, बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी सीमित टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ी चीज़ थी। और पूरी दुनिया एक तरीके से भारत को आज उस नज़र से नहीं देख रही, आज पूरी दुनिया की नज़र है कि भारत एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष में, तो अगर बात करें तो भारत का पूरा दबदबा है, पूरा का पूरा भारत ने अपने नाम दबदबा किया है पूरे विश्व में। और दोस्तों जो खबर जो थी सबसे बड़ी वो 35A को जो मैंने आपको बताई, 35A को लेके भी भारत की जनता चाहती है कि इस पे भी कुछ ना कुछ अच्छा मिले। और दोस्तों बात करें तो मॉब लिंचिंग को लेके कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज़ है कि एक भीड़ का होना और किसी पे हमला करके एक तरीके से कानून अपने हाथ में लेना, कानून किसी को भी अपने हाथ में कोई भी नहीं ले सकता। सबसे बड़ी चीज़ ये है देखने की कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सामने आके कहा भी है कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, और कहीं कानून के दायरे से वो लोग नहीं बच पाएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग मिलके रहें, भाईचारे से रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अपने देश की संस्कृति है, सभ्यता है और सदियों से चलती आ रही है, इसको बनाए रखें और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो दोस्तों आप भाइयों से फिर एक छोटा सा निवेदन, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।